हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ऑप्टिक्स का लेक्चर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, पार्ट वाइज आ ही रहा है। तो आप जो है यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करके नूरुल्लाह अज़हरी फिज़िक्स या फिर नूरिफाई फिज़िक्स के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। चलिए, तो आज के वीडियो में सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो ये कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं तो इमेज बनाने के लिए हम लोगों को कम से कम दो लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट करना होता है। तो एक लाइट रे मैं सीधे भेज रहा हूँ और दूसरा कुछ इस तरह से। ये दो लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट हुई है। अब ये देखिए, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है, और परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होने वाले लाइट रेज जो हैं, जो भी लाइट रेज परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है वो वापस उसी पाथ पे लौट जाती है। तो ये भी लाइट रे वापस उसी पाथ पे लौट गई रिफ्लेक्शन के बाद। ये जो है किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई है मिरर पे। तो हम लोग एंगल कहाँ से नापते हैं, नॉर्मल से। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना। जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी दूसरे डायरेक्शन में। तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो लाइट रे दो अलग अलग डायरेक्शन में चले गया है। तो ये पीछे कहीं मिलेगी, है ना। तो पीछे ये यहाँ पे मिल रही है। तो हम लोगों को इस पॉइंट पे एक वर्चुअल इमेज मिलेगा, है ना। चलिए, फिर इस जो ये जो इमेज बना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो जो होता है, यहाँ लिख देते हैं, इमेज फॉर्म्ड। अब कैसा क्या बना है उसको लिखेंगे। सेम साइज या फिर इक्वल साइज का इमेज बनता है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का इमेज बनता है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वहाँ से ले के मिरर तक के डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इमेज जहाँ पे फॉर्म हुआ है, जहाँ पे इमेज बना है, वहाँ से ले के मिरर तक के डिस्टेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, जिसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि u बराबर v होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इमेज जो है सीधा, इमेज क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म तो लिख ही दिए हैं ना। तो इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनता है ना। वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनता है, मतलब काल्पनिक और सीधा इमेज बनता है। चौथी प्रॉपर्टी है, चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चौथी प्रॉपर्टी जो है, ये तीनों को मिटाने के बाद हम लिख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, अगर वीडियो आगे बढ़ गया है तो उसको फिर थोड़ा सा बैक कर लेना कुछ सेकंड। चौथी प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर हम लोग प्लेन मिरर की तरफ वी स्पीड से बढ़ें, आगे की तरफ प्लेन मिरर की तरफ वी स्पीड से बढ़ें, तो इमेज जो है मेरी तरफ टूवर्ड्स मी टू वी स्पीड से आएगी। मिरर के रिस्पेक्ट में तो वो वी स्पीड है, लेकिन उसके आने का जो डायरेक्शन है, अगर ये इमेज इस मिरर की तरफ वी स्पीड से बढ़े तो इमेज जो है इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में टू वी स्पीड में आएगी। क्यों आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से। अगर वी स्पीड से एक बॉडी इधर जा रही है और वी स्पीड से दूसरी बॉडी इधर जा रही है, तो इस बॉडी को लगेगा कि ये टू वी स्पीड से आ रही है, इसको लगेगा कि ये टू वी स्पीड से आ रही है ना। वेलोसिटी एड हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ वी मूव टूवर्ड्स अ प्लेन मिरर, विद अ
वेलोसिटी ऑफ वी कॉमा इमेज विल मूव टूवर्ड्स अस विद अ वेलोसिटी ऑफ टू वी। ठीक है, इसको लिख लिया, इसको लिख लेना है, इसको भी मिटा रहे हैं। पांचवी प्रॉपर्टी पे आएंगे, पॉज करके लिख लेना है। लैटरली इन्वर्टेड प्लेन मिरर पे जो इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब मेरा जो है दायां हाथ इमेज का बायां हाथ हो जाएगा, मेरा दायां हाथ इमेज का बायां और इमेज का बायां हाथ मेरा दायां हाथ हो जाएगा। मतलब 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है इमेज, है ना। हम ऐसे रहते हैं, ऐसे घूम के 180 डिग्री पे रोटेट करके इमेज हमें दिखता है। तो अगर हम घड़ी पहने हुए रहें राइट हैंड पे तो हमें लगेगा कि इमेज जो है लेफ्ट हैंड पे घड़ी पहना है, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो यही थी आज प्रॉपर्टी प्लेन मिरर पे फॉर्म होने वाली इमेज की। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करना है, नया चैनल है, वीडियो को शेयर करोगे जितना उतने लोगों तक पहुँचेगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करेगा, है ना, YouTube फिर और लोगों को रिकमेंड करेगा, है ना। मैं अपना 100% दे रहा हूँ पढ़ाने के लिए आप लोगों को फ्री में, तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। ओके, टेक केयर, बहुत सिचुएशन ख़राब चल रहा है अभी, तो अभी अपना सेहत का पूरा ध्यान रखिए, है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।